The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, दोस्तों बातचीत हो रही है आज मल्टी विटामिन्स के बारे में. तो क्या होते हैं मल्टी विटामिन्स और आपके क्यों काम आ सकते हैं. मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम बात करेंगे मल्टी विटामिन्स के बारे में. मल्टी विटामिन्स के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स, या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं मल्टी विटामिन्स के और ओवरडोज भी हो सकता है मल्टी विटामिन का. ज़रूरी नहीं है हर एक मल्टी विटामिन कोई भी सेफ होता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ मल्टी विटामिन्स एंड वी हैव टू स्टडी देम प्रॉपरली. सो लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सम सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टी विटामिन्स फर्स्ट. कि मल्टी विटामिन क्या है. ऑब्वियसली एक विटामिन नहीं है, मल्टीपल विटामिन्स का कॉम्बिनेशन है और ये आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए आपको दिया जा सकता है मल्टीपल विटामिन्स. उसमें दैट कैन बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कैन बी बिकॉज ऑफ अ बीमारी. प्रेगनेंसी में आपको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई न्यूट्रिशनल आपको पुअर न्यूट्रिशन है, बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हो, कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, कोई और भी कई सारी बीमारियों में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और इन सारे पर्पसेस के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं. सो ठीक है, मल्टीविटामिन्स आर गुड, आर इम्पॉर्टेंट. विटामिन्स वैसे भी आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़रूरी है आपको समझना, सम टाइप ऑफ विटामिन्स कैन बी डेंजरस. ओवरडोज ऑफ सम टाइप ऑफ विटामिन्स कैन बी डेंजरस, स्पेशली विटामिन्स ए डी ई के, राइट. अगर ए डी ई के यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स का ओवरडोज आप करते हैं कि दे कैन कॉज सीरियस साइड इफेक्ट्स, राइट. सेम वे कुछ तरीके के मिनरल्स भी है जो अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं तो दे कैन ऑल्सो कॉज सीरियस साइड इफेक्ट्स इफ यू टेक देम टू मच. सो लेने से पहले आपको क्या समझना है कि मल्टी विटामिन्स लार्ज डोसेस में नहीं लेना है. ये नहीं कि 10-10 गोलियां खा रहे हैं, आज तो बहुत ताकत ले लेने, बहुत ताकत आ जाएगी, ऐसी कुछ नहीं होता, ठीक है. सेकंड, आपको किसी पर्टिकुलर मल्टी विटामिन से एलर्जी भी हो सकती है, मल्टी विटामिन की कवरिंग कैप्सूल से एलर्जी हो सकती है. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग बट देन दैट इज अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट अ सर्टन थिंग. सो आपको अपने डॉक्टर को बताना है आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, नहीं है, कोई मल्टी विटामिन, कोई पहले से कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मल्टी विटामिन लेते हैं तो कई सारे मल्टी विटामिन्स हैं जो खाने के साथ ही लिए जाते हैं बट कुछ मल्टी विटामिन्स हैं जो खाने से पहले बेटर ऑब्जॉर्व होते हैं. कुछ है जो गैस्ट्राइटिस करते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन गैस्ट्राइटिस करता है. कई सारे विटामिन्स में मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक. मिनरल्स कैन कॉज साइड इफेक्ट्स लाइक कई सारे, जैसे कि टूथ स्टेन कर सकते हैं, पेशाब ज़्यादा आना, पेट में पेट में अल्सर्स हो जाना. तो मिनरल्स कैन कॉज दीज काइंड ऑफ साइड इफेक्ट. अनइजीनेस हो सकता है, हार्ट रेट वेरी करना, कन्फ्यूजन, मसल वीकनेस, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. सो इसलिए हमें ये देखना होता है कि जो हम ले रहे हैं कहीं वो ओवरडोज तो नहीं है, आपके पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कंपैटिबल है या नहीं. प्लस मल्टी विटामिन्स को अच्छी मात्रा में पानी से लेना चाहिए, एक गिलास पूरा भर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा अलग अलग प्रकार की मल्टी विटामिन है, कुछ चबा के खाने वाली है, कुछ निगलने वाली है, कुछ जबान के नीचे रखने वाली है, तो आपको देखना आपका कौन सा है, लिक्विड अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर आप एक हाथ डोज मिस भी कर गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डोज आप ले लीजिएगा, राइट. ऐसा नहीं कि अगले बार मैं दो गोली खा लूंगा, वैसा नहीं करना, डोंट डू दैट, दैट इज काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट वाला हिसाब. कई बार लोग क्या करते हैं, एक ही वाला तीन मल्टी विटामिन एक साथ खा लेंगे, वैसा नहीं करना. एक दिन ये खाओ, चाहे दूसरे दिन वो खा लेना, अगर आपको दोनों मल्टी विटामिन का बेनिफिट चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा ये ज्यादा है, इसमें थोड़ा वो ज्यादा है. दैट्स व्हाट आई डू इफ आई टेक मल्टी विटामिन, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओवरडोज हो जाएगा तो एज आई सेड थोड़ा सा सीरियस चीजें हो सकती हैं. ओवरडोज का सिंपल साइन क्या है, मल्टी विटामिन खाने के बाद आपको एक्यूट साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं विच इंक्लूड योर स्टमक पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एपेटाइट प्रॉब्लम, हेयर लॉस, राइट, पीलिंग ऑफ स्किन, दैट कैन हैपन. मुंह के अंदर ड्राइनेस आ सकता है, टाइट फीलिंग आ सकती है, राइट.
वेट लॉस हो सकता है, सिवियर हेडेक हो सकता है, सिवियर बैकएक हो सकता है, मसल जॉइंट पेन हो सकता है, ब्लड में यूरिन में ब्लड आ सकता है, दैट कैन हैपन. सो अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ मल्टीविटामिन्स ऑल्सो. इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. सो मल्टीविटामिन्स को ज़्यादा मल्टीविटामिन्स को एक साथ नहीं लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सेकेंड, अगर किसी प्रकार के कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है किसी मल्टीविटामिन से, कोई खुजलियाँ हो रही हैं, हाइव्स हो रहा है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, लिप्स सूज रहे हैं, टंग सूज रहा है, थ्रोट गला सूज रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत तुरंत अस्पताल जाना है. स्टमक अपसेट, हेडेक, अनयूजुअल टेस्ट, ऐसी की चीज़ें हो सकती है. देन अब देखो, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स देना तो बहुत मुश्किल है. हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड के देर आर साइड इफेक्ट्स मल्टीविटामिन्स के, राइट. देन कई सारी दवाइयां हैं जो मल्टीविटामिन्स को भी अफेक्ट करती हैं, कई सारे मल्टीविटामिन्स को, जैसे कोई भी तरीके की एंटीबायोटिक है, पेशाब की डायूरेटिक है, पेन किलर्स हैं, सल्फा ड्रग्स हैं, ब्लड प्रेशर मेडिसिन हैं, ये सारी लिस्ट कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती है मल्टीविटामिन्स के साथ. इसलिए बोला जाता है कि मल्टीविटामिन को लास्ट लीजिए, आप रात को सोते समय लीजिए, बेस्ट डोज है वो टाइम पे, राइट. दैट इज वेरी प्लस. हर्बल सप्लीमेंट्स अगर आप कुछ ले रहे हैं, दे कैन हैव एन इंटरेक्शन विथ योर मल्टीविटामिन्स, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो मल्टीविटामिन्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, दिक्कतें भी होती हैं. अब हम याद रखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार से ओवरडोज हो जाता है तो अस्पताल जाने के लिए डरना नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट दैट इज स्टोरेज. मल्टीविटामिन्स को अलग स्टोर करिए कि बच्चों के हाथ में ना आ जाए. बच्चे बहुत कॉमनली इस चीज़ के गलत इस्तेमाल हो जाता है कि बच्चों के हाथ में आए, बच्चे 10 बार खा गए, सो दैट इज नॉट गुड, राइट. प्लस हमें ये देखना है कि जो बच गई मल्टीविटामिन उसको डिस्पोज ऑफ करें, या अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी जगह स्टोर करें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी प्रकार का फॉरेन सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जाता है और आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, वो साइड इफेक्ट कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है. मेजर इशू मल्टीविटामिन के अंदर होता है कि उसमें जो मिनरल्स होते हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे ओवरडोज में ट्रेस एलिमेंट्स हैं. सो हम ये ज़रूर देखें कि अगर मेन कंटेंट उनका ये चीज़ें ही हैं, तो हम उस मल्टीविटामिन को एक से ज़्यादा या ज़्यादा नहीं खा सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड के आपके RDA डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, राइट. सो एनीथिंग टेकन इन एक्सेस, एनीथिंग इन टॉक्सिक अमाउंट इज हार्मफुल. मल्टीविटामिन्स आर गुड, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, लेना भी चाहिए, स्पेशली अगर आपके टेस्ट में आपको डेफिशिएंसी आई है. वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है B12 वाले विटामिन्स, B12 या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स लेना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. यू कैन टेक देम डेली ऑल्सो, लेकिन नॉट फॉर दी एंटायर, यू नो, पूरी ज़िंदगी भर के लिए नहीं. हम उसे क्या करते हैं, एक दो महीने के लिए देते हैं डेली, उसके बाद अल्टरनेट डे कर देते हैं, हफ्ते में 2 बार कर देते हैं. दोज काइंड ऑफ अ थिंग कैन बी डन अगर आपके डाइट में और कोई B12 का सोर्स नहीं है. सेम गोज फॉर वाइटामिन डी. वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, रादर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज धूप में जाना बंद हो गया है, धूप में खेलना बंद हो गया है, कार है, ये है, वो है, हमेशा सर पे कोई ना कोई छत है आपके. सो धूप की वजह से, और धूप में जाते भी हैं तो पूरे ढक के, पूरा का पूरा ढका होता है शरीर, राइट. जो भी नहीं होता है वहाँ सनस्क्रीन लगा, धूप का बहुत कम एब्जॉर्प्शन होने लगा है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है. सो उसके रेगुलर डोसेजेस लेना एडवाइजेबल होता है. 60,000 यूनिट्स वंस अ वीक कैन बी टेकन फॉर 6 to 8 वीक्स, समटाइम्स 10 वीक्स, एंड देन वंस अ मंथ कैन बी कंटिन्यूड. हफ्ते में, महीने में एक बार आप बीच बीच में ले लेंगे तो आपकी डेफिशिएंसी नहीं आएगी. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस. देन अगर कोई हर्बल सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उस पर भी रिसर्च करना होगा कि ये हर्बल सप्लीमेंट में कौन कौन से विटामिंस हैं. कई बार उनके अंदर कुछ विटामिंस, कुछ मिनरल्स हैवी मात्रा में हो जाते हैं, एंड देन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स. लॉन्ग टर्म अगर आप कोई भी मल्टीविटामिन ले रहे हो, कायदे से तो लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूसली नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर, यू हैव टू गेट योर सेल्फ चेक. मल्टीविटामिंस का स्पेशल कोई टेस्ट नहीं आता, आपको बताना पड़ेगा लैब में जाके कि मेरे को ये विटामिंस का टेस्ट करना है. यू कैन टेल देम कि सारे विटामिंस का कर दो, ABCD जितने भी है, सारे विटामिंस का आप टेस्ट करा सकते हो. दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी. बट देन B12 एंड डी आर द मोस्ट कॉमन इन इंडिया. डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन देन साइड इफेक्ट. सो
यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा मेडिसिन, यानी कि चलो नहीं कुछ ले रहे हैं, एक मल्टीविटामिन ले लो, दैट इज वन यू कैन डू. बट याद रखिए, डेली अगर आप लेते रहे हो तो डेली डेली हमेशा 2-3-4 महीने के बाद उसको डेली कंटिन्यू नहीं करना. ऑल्टरनेट डे कर दो, या चेंज द ब्रांड, तो और मल्टीविटामिन ले लो. ओमेगा 3 कैन बी टेकन. ओमेगा 3 इज नॉट मल्टीविटामिन, इट्स वन विटामिन, टेक्निकली 2 EPA DHA, टेक्निकली 2 विटामिन. सो ओमेगा 3 इज डिफरेंट, मल्टीविटामिन आर डिफरेंट. मल्टीविटामिन का मेन साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स के लिए, आयरन के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीविटामिन एंड देयर साइड इफेक्ट्स. सो लॉन्ग टर्म अगर ले रहे हो तो मेरे हिसाब से अलग अलग चेंज करते रहना चाहिए. हर महीने जब भी मौका मिले 10 विटामिन, 2-3 विटामिन, मल्टीविटामिन पड़े, एक दिन ये खा लो, अगले 2 दिन के बाद एक वो खा लो, हफ्ते में 2 दिन खा लो. दिस इज द बेस्ट अप्रोच एंड यू कैन गेट योर सेल्फ चेक्ड एवरी ईयर. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीविटामिन. होप दिस वॉज हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क. दिस इज डॉक्टर परमजी. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.